आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है कि दूसरी मानसिकता के लोग या विचारधारा के लोग चुनाव में जीतने नहीं चाहिए, ये इस देश के संविधान को कमजोर करने वाली बात है। आज देश के अंदर हमारा लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जिसकी मर्जी होती है उसको चुनाव जिताते हैं, उस पार्टी के लोग आते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग राजनीति के अंदर चुनाव जीत के आते हैं। तो आज मान लो सत्ता बीजेपी की है तो दूसरे जो विचारधाराएं वो जीत के नहीं आई, कैसी अच्छी मानसिकता की ये लोग बात करते हैं और इनसे चुनाव जीतना चाहते हैं। तो राजस्थान की जनता इनके बहकाव में आने वाली नहीं है, इनको जवाब देगी। आज ये वोट मांगे काम के आधार पे, वोट मांगे इनका जो शासन है उसके आधार पे, वोट मांगे जनता की भलाई के काम करने के आधार पे। आज आपने जो 11 महीने का शासन है उसके अंदर पिछली सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बंद करने के अलावा, उनका नाम बदलने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया। और आज आप चुनाव के अंदर इस प्रकार से जाना चाहते हैं कि हमारा राज है और हमारे काम होंगे, विपक्षियों के काम नहीं होंगे, ये गलत है। विपक्षियों के काम करने पड़ेंगे, जो संविधान ने हमें ताकत दी है उस ताकत के तहत आपको काम करने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी रही, ये बात कहना चाहूंगा।